हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.5। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। फाइव कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। यहाँ पे क्या कहा है, टोटल डेक में से 52 कार्ड में से 5 कार्ड्स को ड्रॉ करना है और उनको वापस रिप्लेस भी करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। हमने क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी कि 5 के 5 कार्ड हमारे स्पेड के निकले। Only 3 कार्ड आर स्पेड, या फिर 3 कार्ड हमारे स्पेड के लिख लें, none of the स्पेड, और कोई भी कार्ड हमारा स्पेड का ना निकले, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लेट x इज नंबर ऑफ स्पेड, ये मान लो भाई रेंडम वेरिएबल को बता दिया करो आप क्या मान रहे हो, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी बता देना। अब यहां पे देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इन डेक, डेक के अंदर स्पेड की प्रोबेबिलिटी, टोटल स्पेड कितनी होते हैं 13, टोटल कार्ड्स 52, 13/52 मतलब 1/4 चांसेस हो गए हमारे किसके स्पेड आने के। किसी भी डेक के अंदर से कार्ड निकालेंगे तो 1/4 चांसेस किसके होंगे बच्चों, स्पेड निकलने के चांसेस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पेड, नॉट स्पेड इन डेक, तो क्या होंगे, टोटल हमारे नोट स्पेड के कितने होते हैं 39 अपॉन में 52। अब 13 स्पेड के होते तो 39 हमारे नोट स्पेड के हो गए भाई, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 13 से कट गया, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी किसकी, नोट गेटिंग ए स्पेड की। अब ये सक्सेस मान लो, इसको पी से डिनोट कर लो, इसको हम क्यू से डिनोट कर लेते हैं भाई, कर सकते हो आपकी मर्जी है। अब हमें क्या करना है, यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स देखो कितनी है, 5 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है 5, जो कि हमारे कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करेगी। सबसे पहली क्या है, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब सारे के सारे कार्ड हमारे क्या होने चाहिए, स्पेड के, मतलब एक्स इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। क्या हो जाएगी, 5 कार्ड में से निकालने हैं और पांचों के पांचों क्या होने चाहिए, हमारे स्पेड के होने चाहिए, तो 5C5 5 कार्ड निकलने चाहिए और पांचों स्पेड के निकलने चाहिए, तो कॉम्बिनेशन क्या बन गए, 5C5। अब स्पेड का कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 1/4। अब पांचों हमारे स्पेड के निकल रहे हैं तो 1/4 की पावर 5। अब नॉट स्पेड का तो एक भी नहीं है, तो यही क्या हो जाएगी, 3/4 की पावर 0 ले लेंगे, क्योंकि एक भी हमारा क्या है, नॉट स्पेड का नहीं है, पांचों स्पेड के निकल रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स ले ली। सिंप्लीफाई कर लो, 5C5 क्या हो गया मेरा, 1 हो गया, मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 5, 1/4 की पावर 5 क्या हो गया, 1/1024, 4 की पावर 5, 4 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ गया। सेकेंड देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, 3 कार्ड हमारे किसके होने चाहिए, स्पेड के होने चाहिए, बाकी 2 क्या होंगे, नॉन स्पेड कार्ड होंगे। 5 में से 3 कार्ड हमारे किसके होंगे बच्चों, स्पेड के, तो 5C3 कॉम्बिनेशन बन गए। अब 3 स्पेड हैं, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4, तो 1/4 की पावर 3, और 3/4 क्या होंगे, नॉन स्पेड, कितने टाइम्स मिलेंगे, 2 टाइम्स। टोटल 5 कार्ड निकलने हैं, 3 कार्ड तो हमारे स्पेड के निकले, 1/4 हो गई, 2 कार्ड ऐसे निकलेंगे जो हमारे नॉन स्पेड के होंगे, नॉन स्पेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 थी, तो 3/4 की पावर 2 ले ली। सिंप्लीफाई कर लो 5C3 को, तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और इंटू में फैक्टोरियल 2, ये तो कट गया हमारा, 2 से इसको कट करें, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10 हो गया मेरे पास यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/4 की पावर 3 × 3² / 4 की पावर 2। सिंप्लीफाई करो इसको, 5 × 2 = 10 × 3² = 9 / 4 की पावर 5 कितना हो गया, 1024, तो ये आ गया मेरे पास 90 / 1024, या फिर एक बार और कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 45/512। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, एक्स इक्वल टू 3 के, मतलब 3 कार्ड्स स्पेड के निकलेंगे हमारी। कैलकुलेशन हो गई हमारी क्लियर, थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, नन ऑफ इज ए स्पेड कार्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब कोई भी स्पेड कार्ड नहीं निकलना चाहिए, तो 5C0 हमारा होगा, 5 कार्ड निकाले, 5 में से एक भी कार्ड हमारा स्पेड का नहीं निकला,
तो नोट्स पैड की प्रोबेबिलिटी कितने टाइम्स लेंगे? 5 टाइम्स। तो 3 बाय 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 4 की कितने टाइम्स ली जाएगी? 0 टाइम्स, क्योंकि कोई भी स्पैड नहीं निकला है। 5 से 0 क्या हो गया? 1। 3 की पावर 5 कितना हो गया मेरा? 243। नीचे 4 की पावर 5 क्या हो गया? 1024। बस ये प्रोबेबिलिटी आ गई, आंसर हो गया। बात क्लियर, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।